टफ क्वेश्चंस तो बहुत जरूरी है सर करना, जेई में टफ क्वेश्चंस ही तो आते। ऐसा सवाल जिसमें 2 दिन लग जाए सोचने में, या जिसके लिए कुछ नया सीखना पड़ जाए, राइट, कोई नई टेक्निक सीखनी पड़ जाए, वो तो बहुत जरूरी है सर। ऐसे सवाल जो बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही कुछ और ही सोचना पड़ जाए, हो क्या सोचा है, बिल्कुल क्रिएटिव क्वेश्चन। ओलंपियाड लेवल लोगों से नहीं बनता बेटा, आपने ओलंपियाड के क्वेश्चंस देखे नहीं है। प्लीज जो भी टफ क्वेश्चंस के फैन हैं, आई वुड एडवाइज देम टू एक्चुअली गो एंड लुक एट जिसको पहले INPHO कहते थे, सेकंड लेवल का जो पेपर होता है उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखिएगा। सेकंड लेवल ओलंपियाड के क्वेश्चंस जो होता है इंडिया का मिल जाएंगे इजीली। प्लीज जाके उन क्वेश्चंस को देखिए, और जो भी सो कॉल्ड टफ क्वेश्चंस या टफ क्वेश्चंस की किताब आती है, ऑलराइट, उनकी फिलॉसफी ही अलग होती है बेटा। दे आर मल्टी स्टेप्स क्वेश्चन। जिसमें मैथमेटिक्स टिपिकल होती है, जिसमें कैलकुलस का यूज ज्यादा हो रहा होता है, जिसमें कैलकुलस बनाना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। इनमो का जेई से रिलेशन नहीं है। तो यदि वो इस जोन के भी है ना, तो भी मैं मान लूंगा यदि आपने अपना होमवर्क वगैरह कंप्लीट कर लिया था। पर यदि इससे अलग जोन के टफ है कि समझ में ही नहीं आता, पता नहीं क्या बारे में बात चल रही, कुछ भी कर दिया है, दिट डजंट वर्क। प्लीज अंडरस्टैंड, इट विल नॉट वर्क, नॉट वर्क, नॉट वर्क, बिकॉज सिंपल स्टोरी इज दिस, टफ वन इज नॉट इक्वल टू टफ टू। बेसिकली टफ जेई इज ऑलमोस्ट इक्वल टू टफ ओलंपियाड, बट ओलंपियाड सेकेंड लेवल, लेकिन दैट इज ऑल्सो टफ जेई के 5% क्वेश्चन, ओनली 5% ऑफ जेई क्वेश्चन। बट वो जो सो कॉल्ड टफ ऑफ वो PF करके कुछ है, दैट इज नॉट इक्वल टू टफ ओलंपियाड, एंड दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू टफ जेई। ये अलग ही दुनिया है। नॉट ओनली दिस, सो कॉल्ड टफ जेई बुक्स होती है, जेई बुक्स, उनकी भी यही प्रॉब्लम है। टफ जेई बुक इज अगेन नॉट इक्वल टू टफ जेई। दैट्स वाई फर्स्ट रिक्वायरमेंट ईच टाइम एवरी टाइम इज टू फाइंड जो आपको ये बोले बेटा मैं कम टाइम में कम चीज पढ़ा के तेरे को जेई के सवाल सॉल्व करवा सकता हूं, ना कि इरोडोव के, ना कि इस किताब के, ना कि उस किताब के। तेरे को जेई के सवाल इजी लगने लग जाएंगे, जेई एडवांस तेरे को समझ में आ जाएगी, जेई एडवांस के पीछे थॉट क्या है वो इंपॉर्टेंट है। बच्चों हम जेई की तैयारी करने आए हैं, हम फिजिक्स के सुपर एक्सपर्ट बनने नहीं आए हैं। जो आप पढ़ा रहे हो सर, क्या मैं उससे जेई की थीम पकड़ सकता हूं? यदि आप जो पढ़ा रहे हो उससे मुझे जेई की थीम के सवाल ही नहीं दिखते कनेक्ट होते हुए, तो भले ही कितना टफ हो, सिर्फ इस बेसिस पे बात करना कभी जेई में आ गया तो, अरे कभी जेई में आ गया तो सबके लिए अननोन होगा वो। You understand? So this is the reason गोल्ड मेडल लेके आए हुए अनन्या, दो बच्चे वहां जाके, और एक्चुअली 2014 में देर वॉज अ पॉसिबिलिटी कि पूरी इंडिया टीम मेरी होती, बट उस साल जेई ने और ओलंपियाड ने अपना टाइमिंग चेंज कर लिया था, नहीं तो पूरे पांचों बच्चे मेरे ही होते उस साल। आई हैड 5 स्टूडेंट्स who were good enough to go into physics olympiad and represent india, wo team meri honi chahiye thi,
बट वो गए नहीं उसमें, बिकॉज जेई का पेपर बाद में था और ओलंपियाड बीच में आ गया, ओनली वन स्टूडेंट वेंट। उसके बाद से फिर अच्छे बच्चों का मेरे पास भी ज्यादा कनेक्शन नहीं हो पा रहा, बिकॉज उसके लिए दे यू नीड अ बिग मार्केटिंग मशीन विच अ टीम बिग इंस्टीट्यूट हैव, वी डोंट। सो आई कुड हैव द होल टीम ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटिंग, इंडिया रिप्रेजेंटिंग टीम मेरी होती, पांचों मेरे। That was a possibility, which missed because of J mode. समझ में आया why these three things are wrong? So-called Olympiad books are also not Olympiad books. If you want to do Olympiad, if you are good enough, only previous year question. Nobody can frame Olympiad type of questions. Nobody can frame Olympiad type questions. Believe me, because वो करते कैसे मैं बताता। These are actually scientists who are actually working on real physics things, physics experiments. वो देखते हैं उसमें कौन से 11वीं 12वीं के कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, और जो एक्स्ट्रा वाले लग रहे हैं ना उसको हटा देते हैं, 11वीं 12वीं के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे वो उस एक्सपेरिमेंट को कैसे किया जा सकता है, उसमें क्या चीजें की जा सकती है वो बनाते हैं, यूजिंग जेनरस मिक्स ऑफ फ्रेमिंग कैलकुलस। कि कैलकुलस के आइडिया कैसे मिक्स करें उसमें, गॉट इट?